गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम पढ़ेंगे और आप समझेंगे। पिछले आप दो वीडियो में देख रहे होंगे कि कुछ बैक साउंड भी अवेलेबल हो जा रहा था, बिकॉज कि मेरा जो माइक था वो ख़राब हो गया था। मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया, देन उसको आने में थोड़ा टाइम लग गया, एंड और मुझे वीडियोस बनाने थे जल्दी जल्दी, तो मैं कोर्स को कंप्लीट करना था एक्चुअली। तो मैं दो वीडियो डाला मैंने जिसमें माइक नहीं था, जिसमें साउंड इशूज़ थे। सो आई होप वो वीडियो आप लोगों ने माइंड नहीं किया होगा, और जो मैंने उस वीडियो में जो चीज़ दिखाना था वो और जो समझाना था वो मैंने कराया था, जो वो आप समझे होंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि BCS जो 41 हमारा कोर्स था, सब्जेक्ट जो था 4 सेमेस्टर का, BCA 4 सेमेस्टर का, उसका हम लोग लेक्चर प्रोवाइड कर रहे थे, जो कि जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आंसर एंड एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड हो रहे थे, जिसमें आप पिछले वीडियो में, आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं कि यूनिट वन और यूनिट टू को मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया है। एंड ये एग्ज़ाम व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने लिए हैं कि कौन से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, किस चैप्टर से। ये फुल्ली मैंने 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को रीड आउट किया है प्रॉपर तरीके से, देन मैंने ये कंसल्ट क्वेश्चन लिया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, एंड उस वीडियो को देखोगे नहीं जब तक, तब तक ये वीडियो समझ नहीं आएगी। तो आप उसको, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, एंड देन ये PDF जो है मेरे लास्ट वीडियो में आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यूनिट 3 का पार्ट 2 है, तो इसमें मेरे को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये फ्रिक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग लगा, जिसमें आपको बताना होता है कि फ्रिक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग होता क्या है। इन टेली कम्युनिकेशन, FDM इज़ अ टेक्निक बाई यूजिंग अ टोटल बैंडविड्थ अवेलेबल इन अ कम्युनिकेशन मीडियम विच इज डिवाइडेड इंटू सीरियल और नॉन ओवरलैपिंग फ्रिक्वेंस ब्रांड, इच ऑफ द विच इज़ यूज टू कैरी सेपरेट सिग्नल्स। ये एक ऐसा टेली कम्युनिकेशन में एक ऐसा ये FDM जो टेक्नोलॉजी है, जिसमें टोटल या कुल जो भी पूरा बैंडविड्थ अवेलेबल होता है उसको, जो गैर अतिव्यापी को उसको रियल में ओवरलैपिंग में सेपरेट सिग्नल में डिवाइड किया जाता है। इट इज़ अलाउड टू सिंगल ट्रांसमिशन मीडियम सच एज केबल, ऑप्टिक और ऑप्टिक फायर टू बी सर्व ए मल्टीप्लेक्सिंग इंडिपेंडेंट सिग्नल। एक आजाद सा सिग्नल जो भी, मतलब फ्रीडम फ्री सिग्नल को प्रोवाइड करता है। एंड अनदर टू यूज, इट इज़ कैरी टू सेपरेट सीरियल्स बिट्स और सेगमेंट ऑफ अ हायर रेट सिग्नल इन पैरेलल। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्रिक मैंने दे रखा है, उस तरीके से ये मल्टीप्लेक्सिंग वर्क करता है, फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग, ये एक्चुअली ये पार्ट है मल्टीप्लेक्सिंग डिवीज़न जो है। इसमें क्या होता है कि टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग यूज़ अ प्रिम्पली फॉर डिजिटल सिग्नल्स। इसको यूज़ किया जाता है डिजिटल सिग्नल्स के लिए, मतलब आधुनिक सिग्नल जो भी है, बट मे बी अप्लाइड एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग, बट इसको शायद अप्लाई किया जाता है एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग में भी, इन विच टू मोर सिग्नल बीट और स्ट्रीम, ठीक है, जो कि सिग्नल्स होते हैं बीट और स्ट्रीम का। एंड स्ट्रीम्स आर द ट्रांसफर अपेयरिंग द सिमल्टेनियसली एज सब चैनल इन वन कम्युनिकेशन चैनल, बट फिजिकली टेकिंग टर्न ऑन द चैनल। द टाइम डोमेन इज डिवाइडेड इंटू सर्वल रिकरेंट टाइम्स लॉट्स ऑफ फिक्स। एक्चुअली जो सब चैनल होते हैं वो ड्यूरिंग टाइम स्लॉट के होते हैं, स्लॉट 2, यू नो, एंड 1 TDM में फ्रेम को कंसिस्ट करते हैं 1 टाइम स्लॉट पर सब चैनल, ठीक है। तो ये चीज़ जो है एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं था, बट मैंने 3-4 क्वेश्चन पेपर में देखा तो मैंने सोचा डाल देती हूँ मैं, ठीक है। मैसेज स्विचिंग एक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह जाता है हमारा। तो देखते हैं कि मैसेज स्विचिंग क्या होता है। मैसेज स्विचिंग इज़ द नेटवर्क स्विचिंग, ठीक है। एक जो मैसेज स्विचिंग एक नेटवर्क स्विचिंग टेक्निक है, जो कि यूज़ होता है डाटा को रोटेट करने में, यू नो, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या कोई भी मैसेज जो भी होता है वो, मतलब स्विच करना होता है। ड्यूरिंग मैसेज रोटेटिंग एवरी इंटरमीडिएट स्विच इन अ नेटवर्क स्टोर द होल मैसेजेस। ये जो मैसेज जो स्विचिंग होती है उसमें आपको देखने को मिलेगा कि वो जो भी मैसेज होता है वो स्टोर करता है हर जाने वाले कंप्यूटर से भी
और आने वाले कंप्यूटर से भी, ठीक है। सर्किट स्विचिंग भी इम्पॉर्टेंट है, ये रेड मार्क आप लोग देख लेना क्योंकि रेड मार्क वाला बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल भी मिस आउट मत करना। और आगे के वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, तो मिस आउट किए मत जाना, ठीक है, स्किप किए मत जाना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियोज़ को लाइक कर दो। सर्किट स्विचिंग क्या है? सर्किट स्विचिंग एक ऐसा स्विचिंग है जो होता है इम्प्लीमेंट टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क में। टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क में काफ़ी स्विचिंग जो भी हैं वो यूज होते हैं, ठीक है। तो ये जो है सर्किट स्विचिंग, वो एक मेथड है जो कि इम्प्लीमेंट होता है टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क में, विच टू नेटवर्क नोड्स एस्टेब्लिश डेडिकेटेड कम्युनिकेशन चैनल, ठीक है। थ्रू द नेटवर्क बिफोर द न्यूरिंग मे कम्युनिकेट द सर्किट जनरेट द फुल बैंडविड्थ द चैनल एंड रिमेन कनेक्टेड फॉर द ड्यूरेशन एंड कम्युनिकेशन सीजन, ठीक है, सॉरी सेशन। द सर्किट फंक्शन एज इफ द नोड्स वेयर फिजिकली कनेक्टेड एज द एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। सर्किट स्विचिंग ओरिजिनेट इन एनालॉग टेलीफोन नेटवर्क वेयर द नेटवर्क क्रिएटेड डेडिकेटेड सर्किट बिटवीन टू टेलीफोन्स ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ टेली फोन्स कॉल, ठीक है। जो सर्किट स्विचिंग जो है ओरिएंटेड होता है एक टेलीफोन एनालॉग टेलीफोन नेटवर्क से, जहाँ नेटवर्क क्रिएटेड क्रिएट किया जाता है एक डेडिकेटेड सर्किट बिटवीन टेलीफोन्स ऑफ ड्यूरेशन टेलीफोन कॉल्स, ठीक है। एंड इट्स कॉन्ट्रास्ट विद द मैसेज स्विचिंग एंड पॉकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग क्या होता है वो हम अभी देखेंगे आगे के वीडियोज़ में। सो एंड इट इज़ यूज टू एक्चुअली इट इज़ वेयर इट इज़ यूज टू मॉडर्न डिजिटल नेटवर्क इन विच 10 lines between switching center carry between many different nodes in a form of data packet without dedicated circuit, ठीक है। trunk lines क्या होते हैं मैं आपको आगे बताऊंगी, फिर अभी मैं बताती हूँ कि ये बिटवीन स्विचिंग कैरी को डेटा को बिटवीन मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द नोड्स को फॉर्म को डेटा पैकेट में विदाउट डेडिकेटेड सर्किट को यूज़ करा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ये पैकेट स्विचिंग क्या होता है। मैंने अभी आप लोगों ने देखा कि पैकेट स्विचिंग पैकेट व्हाट पैकेट, सो हेयर इज पैकेट स्विचिंग। अब देख सकते हैं मैंने एक इमेज भी लगा रखा है, जहाँ आप देख सकते हैं कि पैकेट स्विचिंग किस तरीके से होता है। पैकेट स्विचिंग इज द ट्रांसफर ऑफ स्मॉल पीसेज ऑफ डेटा, ठीक है। एक पैकेट स्विचिंग ऐसा टेली कम्युनिकेशन का पार्ट है जो यूज़ होता है एक्चुअली छोटे छोटे पीसेज यानी छोटे छोटे डेटा को ट्रांसफ़र करने में इन वेरियस नेटवर्क। दिस डेटा चंक्स ऑफ फॉर पैकेट्स एक्चुअली इट्स अलाउ फॉर फास्टर एंड मोर इफिशियंट डेटा ट्रांसफर। ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट ट्रांसफ़र करता है एक्चुअली। ऑफन द यूजर्स सेंड द फाइल अक्रॉस नेटवर्क गेटिंग गेट ट्रांसफर इन स्मॉल पैकेट और नॉट इन वन पीस, ठीक है। इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन है कि पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग के बीच डिफरेंस बिटवीन बताने को, तो आप ये लोग देख लेना क्योंकि मैंने अभी ऊपर पढ़ा रखा है, तो मैंने डिफरेंस बिटवीन भी निकाल दिया ताकि आप लोग को इजी हो जाए और डिफरेंस आपको डिफाइन करने के लिए कहा जाए तो आप डिफाइन कर पाओ, और अगर आपसे डिफरेंस बिटवीन पूछे तो आप लोग डिफरेंस बिटवीन कर पाओ। यूनिट 4 में हम देखेंगे कि आज क्या होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ पैरेलल एंड सीरियल ट्रांसमिशन डिवाइस इन कंप्यूटर नेटवर्किंग, ठीक है। एक्चुअली मैंने आप लोगों को बता रखा था कि यहाँ पे कि पैरेलल और सीरियल कम्युनिकेशन, ठीक है, और अब मैं बताने जा रही हूँ पैरेलल ट्रांसमिशन, ठीक है, वो कम्युनिकेशन था और ये ट्रांसमिशन है। बिल्कुल भी इसमें कन्फ्यूज मत होना एग्ज़ाम में, क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो सीरियल कम्युनिकेशन और सीरियल ट्रांसमिशन दोनों ही अलग चीज़ें हैं, तो बिल्कुल इस चीज़ में डिफिनेशन या किसी भी डिफरेंस बिटवीन में कंफ्यूज नहीं होना है और आगे अपने आप को प्रूव करना है, ठीक है। सो क्या होता है सीरियल ट्रांसमिशन? इन सीरियल ट्रांसमिशन डेटा बिट फ्लो फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। ये डेटा जो मतलब सीरियल ट्रांसमिशन जो होता है वो एक डेटा को बिट फ्लो में वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर में शो करता है, ठीक है। एंड दिस ट्रांसमिशन वन बीट फ्लो एट अ वन क्लॉक प्लस, ठीक है। इन सीरियल ट्रांसमिशन 8 बीट आर ट्रांसफर एट अ हैविंग स्टार्ट एंड स्टॉप बीट। सो अब सीरियल ट्रांसमिशन
देखते हैं हम कि पैरेलल ट्रांसमिशन क्या होता है. एक्चुअली ये रिकॉर्डिंग ऑफ हो गया था, आई होप सो कि मैंने जब ऑफ़ करा हो तभी ऑफ हुआ हो, बट देखते हैं एडिटिंग के टाइम पता चलेगा. पैरेलल ट्रांसमिशन क्या होता है? पैरेलल ट्रांसमिशन में बी बीट आर फ्लो टुगेदर सिमल्टेनियसली फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर. एंड पैरेलल ट्रांसमिशन इज अ फास्टर देन सीरियल ट्रांसमिशन. अगर आपसे एक पूछे कि पैरेलल और सीरियल ट्रांसमिशन में एक बताओ डिफरेंस क्या होता है, तो आप ये भी ऐड कर सकते हो पैरेलल एक फास्टर है जबकि सीरियल एक फास्टर नहीं है पैरेलल से. ठीक है, लिख सकते हो कि पैरेलल ट्रांसमिशन इज अ फास्टर देन सीरियल ट्रांसमिशन एंड ट्रांसमिट ऑफ द डेटा. पैरेलल ट्रांसमिशन यूज टू शॉर्ट डिस्टेंस. ये शॉर्ट डिस्टेंस में काम वर्क करता है, तो ये किसका डिमेरिट भी हो सकता है. क्वेश्चन एक और है आपसे पूछा जाएगा कि डिफरेंट बिटवीन गाइड एंड अनगाइड मीडिया. ये आप बेसिस 11 में पढ़े हुए हैं, इसको आप बिल्कुल नहीं कह सकते हो कि हाँ मैं नहीं जानता बिल्कुल भी क्वेश्चन, ये मैं क्या क्वेश्चन देख रहा हूँ. ठीक है, ये बेसिस 11 ने आपको पढ़ना था फर्स्ट सेमेस्टर में. गाइड मीडिया क्या है? गाइडेड मीडिया. इन दिस टाइप्स ऑफ गाइडेड मीडिया सिग्नल एनर्जी इज द इनक्लोज ऑफ इनक्लोज एंड गाइड विद इन अ सॉलिड मीडियम. And the guided media is used to either for the point-to-point link or share link with various connection. ठीक है, ये link में actually मैं इसकी difference between करना भूल गई. आप ये definition देख लो, मैं next video में पक्का इसके या मैं description box में इसका difference between डाल दूँगी, because difference between is so easy to remember definitions and all. ठीक है, तो वो मैं कर दूँगी. ठीक है, and within connection an in guided media interference is generated by emission in the adjacent cable. Proper shielding of a guide media required to reduce of the interface issues. ठीक है, but unguided में कुछ अलग सा होता है. ठीक है, अनगाइडेड में क्योंकि वो अलग चीज़ हो जाता है, एक सिग्नल जो एनर्जी होती है उसको अंदर चेंज कर जाता है. ठीक है, एक वायरलेस मीडियम और एक वायर मीडियम जो होता है उसको इनकरेज करता है. ठीक है, सो हियर अनगाइडेड मीडिया इज द सिग्नल एनर्जी प्रोपगेटेड थ्रू द वायरलेस मीडियम एंड द वायरलेस मीडिया इज यूज टू रेडियो ब्रॉडकास्टिंग. ठीक है, ये जो अनगाइडेड मीडिया जो एक वायरलेस मीडियम है, जो वायरलेस मीडियम यूज करता है रेडियो ब्रॉडकास्टिंग इन ऑल डायरेक्शन विद इन ऑल डायरेक्शन. माइक्रोवेव लिंक्स आर चूजन टू लॉन्ग डिस्टेंस ब्रॉडकास्ट. एक्चुअली जब मैंने बताया कि गाइडेड मीडिया क्या है, तो गाइडेड मीडिया एक शॉर्ट डिस्टेंस में वर्क करता है. ठीक है, बट ये जो है ये लॉन्ग डिस्टेंस में भी वर्क करता है. ठीक है, एंड इंटरफ्रेंसेस इज ऑल्सो प्रॉब्लम ऑफ अनगाइडेड मीडिया An overlapping frequency bands from a competing signals can alter and emulate of signals. ठीक है, ओहो या आई हैव बिटवीन डिफरेंस बिटवीन मैंने हम मेरे को लगा मैंने नहीं करा होगा बट आई हैव. सो यहाँ आप देख सकते कि गाइड मीडिया कहता है कि सिग्नल एनर्जी प्रोपगेटेड बट एक वायर है गाइड मीडिया में बट इन एयर. ये जो है एक वायरलेस है, ये एयर के थ्रू मतलब जो होता है ना कनेक्शन वायरलेस कनेक्शन वो एक प्रूव करता है. ठीक है, अन मीडिया आप ऐसे कह सकते हो कि एक आप इसको अलग भी कर सकते हो कि सिग्नल एक एनर्जी प्रोपगेटेड है बट एक वायरलेस है वायर इन इसमें वायर के थ्रू एनर्जी जो है एक्सचेंज होते हैं बट इसमें एयर के थ्रू यू नो वायरलेस. बट गाइडेड मीडिया यूज टू पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन. गाइड मीडिया एक पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन क्रिएट करता है बट ये नहीं करता है, ब्रॉडकास्ट के थ्रू करता है. यानी सब एक में होता है, ये अलग अलग ट्रांसमिट नहीं करता. ठीक है, डिस्क्रीट नेटवर्किंग टेपोलॉजी फॉर अ फॉर्म ऑफ गाइडेड मीडिया. डिस्क्रीट नेटवर्किंग में कह सकते हैं कि टेपोलॉजी होता है जो फॉर्म ऑफ गाइड मीडिया का होता है बट कंटिन्यूसली ये अनगाइड में भी वर्क करता है. ठीक है, तो कुछ इसी तरीके से है, आप देख लेना. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप कह सकते हो तो मेरे को ईमेल कर दोगे, मैं सारे के सारे पीडीएफ को सेंड कर दूंगी. अगर आप थोड़ा वेट करोगे तो मैं लास्ट वीडियो में जो इस कोर्स का लास्ट वीडियो होगा मैं सीधे पीपीटी और पीडीएफ बना के सेंड कर दूंगी. नेक्स्ट है हमारे पास यूटीपी एंड एसटीपी का डिफरेंस बिटवीन. ठीक है, तो आप इसमें मैंने बहुत इजीली सबको कनेक्ट कर दिया है, आप आसानी से इस चीज़ को कवर कर सकते हो. ठीक है,
इसमें आपको फुल फॉर्म डाल देना है कि अनसील्ड ट्विस्ट पेयर एंड सील्ड ट्विस्टेड पेयर, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें तो केवल विथ वायर दैट ट्विस्टेड टुगेदर, ये एक वायर के साथ होता है बट ये एयर में होता है, यू नो, बिना वायर के। एक चिपर दैन है ये, मतलब ये थोड़ा कॉस्ट में लो है, बट ये जो है एसटीपी ये हाई है, ठीक है। वेट में कहा जाए तो एक लाइट है, मतलब हल्के है, बट ये हेवी हो जाता है। नॉइज़ एंड इंटरफेसिस में क्या है तो ये एक नॉइज़ इंटरफेस करता है बट ये नॉइज़ नहीं करता, इंटरफेस भी प्रॉपर तरीके से क्रिएट करता है। डेटा स्पीड में कहें तो ये यूटीपी जो है अनसील्ड ट्विस्ट पेयर एक स्लोअर है बट ये फास्टर है, हाइयर एंड फास्टर है, ठीक है। ग्राउंडिंग ऑफ द केबल नॉट रिक्वायर्ड बट एज अ एसटीपी रिक्वायर्ड करता है, ठीक है। टारगेट डिप्लॉयमेंट लोकेशन लेस प्रोन टू इंटरफेस लाइकिंग ऑफिस एंड होम, एज ऑफिस और होम के बीच कनेक्शन कर देता है बट ये एक फैक्ट्री टू एयरपोर्ट, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस का लोकेशन कैरी करता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाकी यूनिट्स को कवर करेंगे। इसके दो क्वेश्चंस रह जाते हैं, वीडियो लॉन्ग हो गई इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड मेरे एक ब्लॉग चैनल है उसको भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।